जब जब बच्चे को भूख लगती है और माँ के सीने में खुद दूध पैदा होता है, कौन बनाता है ये दूध? कौन बनाता है? औरत खाती क्या है? अरे वो फल खा रही है, फ्रूट खा रही है, गोश्त खा रही है, मछली खा रही है, अंडा खा रही है, कहीं ये सारी चीज़ें खा रही है, लेकिन सब जाने के बाद उसके जिस्म में दूध बनता कैसे? बराबर कभी सोचा? सेम चीज़ें मर्द भी खाता है, सेम चीज़ें औरत भी खाती है, लेकिन मर्द के सीने में तो दूध नहीं बनता। सूरह रहमान, इसमें झिझोड़ने वाली आयतें हैं। अल्लाह ताला ने बार बार जिन्नात और इंसानों से ये सवाल फरमाया, फबी अय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बताओ ए जिन्नात और इंसानों, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरह तिलावत कर रहे थे तो सहाबा खामोशी से सुनते रहे। फिर जब सूरह पूरी मुकम्मल तिलावत हुई तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ये जिन्नात के सामने तिलावत की, वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जिन्नात तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे, वो रोते जा रहे थे, सजदों में गिर जाते और यूँ कहते थे, ए अल्लाह हम तेरी किसी भी नियामत को नहीं झुटलाते, फलकल हम्द या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं ए रब्बे कायनात। सूरह रहमान पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। तुम्हें कौन कौन सी नियामतों से अल्लाह ने नहीं नवाजा, कौन सी नियामतें नहीं हैं? एक सांस लेते हो नियामत है, एक सांस छोड़ते हो ये अल्लाह की नियामत है। अगर सांस ना ले सको तो मौत है, और सांस ले लिया लेकिन वापस नहीं निकलती है तो भी मौत है। तुम्हारे लिए एक आधा गिलास पानी ये अल्लाह की नियामत है। पानी मिल जाना नियामत है, और पानी मिल गया, प्यास लगना भी नियामत है। अगर प्यास ना लगे तो पानी भी ना पी सको। प्यास लगने के बाद पानी भी है, लेकिन पी जाने के बाद पेट भरा हुआ लगना ये भी नियामत है। सैराब हो जाना ये नियामत है। वरना कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि तुम पूरे मटके के मटके डालते रहो, पेट नहीं भर सकता। भूख लगना नियामत है, खाना मिलना नियामत है, और खाने के बाद पेट शिकम सैर हो जाना ये भी नियामत है। पेट भरा हुआ महसूस होना ये भी नियामत है। वरना हैज़े की बीमारी ऐसी है कि एक आदमी 10 मुर्गियां भी खा ले, ज़ुबान से उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। बीमारी है ये दुनिया में। अल्लाह ने ये सब नियामतों से तुम्हें नवाजा है। भूख भी लगती है, खाना भी मिलता है, और पेट भी भरा हुआ होता है। और पेट भर जाने के बाद गलाज़त का निकल करके जाना ये भी नियामत है। फुजला निकल करके चला जाए ये भी नियामत है। अगर नहीं निकलता पेशाब पाखाना, जिस्म में जहर बन जाता है। 3 दिन से ज़्यादा तुम अपने पेट में चीज़ें रोक नहीं सकोगे। उसके बाद होगा ये कि पेशाब नहीं हो रहा है, पखाना नहीं हो रहा है, तो जाओ डायलिसिस मशीन में। इसलिए कि पेशाब का पानी पूरे जिस्म में खून के साथ मिल करके तुम्हारा क्रिएटिनिन बढ़ा देगा। और इसी को तो डॉक्टर लोग अभी पैसे छीलते हैं कि गले में यहाँ पर मशीन डाल करके पूरा खून निकालते हैं। मशीन में 4 घंटे तक फ़िल्टर करते हैं, पानी अलग करते हैं, फिर खून अलग करके वापस जिस्म में डालते हैं। और ऐसा शख्स जिसका पानी नहीं निकलता, हर 2 दिन पे उसको डायलिसिस कराना पड़ता है कि पानी निकालना है। और फिर पानी कितना लिमिटेड पीना है, 2 दिन के अंदर आधा लीटर पानी पीना है बस, उससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं। सोचो कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे अल्लाह की। तुम आज भर भर गिलास पानी पीते हो, पेशाब भी बराबर निकलता है, अपनी हाजत भी पूरी बराबर हो जाती है। जिस दिन ये रुक गया तो तुम्हारे जिस्म में जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा, कोई निकाल नहीं सकेगा तुम्हें। इसीलिए हातिम आसम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खलीफा वक्त हारून रशीद से पूछा कि अगर तुम्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा हो, एक आधा गिलास पानी कोई देना चाहता है, तो तुम कितनी कीमत में ख़रीदोगे? उन्होंने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा अगर जान बचाने के लिए पानी ख़रीदना पड़े, जान है असल। कहा अच्छा पानी तो पी लिया लेकिन निकलता नहीं, लेकिन कोई निकालने वाला हकीम मिल जाए तो उसको क्या कीमत में दे करके तुम पानी निकलवाओगे? कहा अपनी बाकी आधी सल्तनत दे दूँगा कि पानी निकाल दे जिस्म से। कहा फिर देख ले तेरी पूरी सल्तनत 1 गिलास पानी के बराबर है, और रब तबारक व तआला बग़ैर किसी मुआवज़े के तुम्हें रोज़ पिलाता भी है और निकालता भी है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम पैदा हुए थे उस वक्त से मौला करीम तुम्हारी ऐसी निगरानी रखा है। तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें नाफ के ज़रिए से रिस्क पहुँचाता रहा। जब तुम जिस्म से बाहर आए, माँ के दुनिया में आए, तो माँ का खून जो है दूध में बदल करके उसके सीने में तुम्हारी ग़िज़ा बना दी। जब जब बच्चे को भूख लगती है और माँ के सीने में खुद दूध पैदा होता है, कौन बनाता है ये दूध? कौन बनाता है? औरत खाती क्या है? अरे वो फल खा रही है, फ्रूट खा रही है, गोश्त खा रही है, मछली खा रही है, अंडा खा रही है, कहीं ये सारी चीज़ें खा रही है, लेकिन सब जाने के बाद उसके जिस्म में दूध बनता कैसे? बराबर कभी सोचा? सेम चीज़ें मर्द भी खाता है, सेम चीज़ें औरत भी खाती है, लेकिन मर्द के सीने में तो दूध नहीं बनता। औरत की खसूसियत है, औरत के सीने में दूध इसलिए बनाया जाता है कि अल्लाह ने बच्चे की परवरिश का निज़ाम रखा है, तुम्हारा रिस्क उसके सीने में रखा है अल्लाह ने। मेरे अजीज़ों, आपको देखा महसूस करो आप कि अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हारी परवरिश की। तुम्हें पैदा होते ही कचरे में नहीं छोड़ दिया गया, और जिस्म के भी किसी ऐसे हिस्से से तुम्हें दूध नहीं पिलाया जा रहा है जिसको हल्का समझा जाए। सीना एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ है, इंसान के जिस्म में अज़मत वाली चीज़ है सीना, और माँ का सीना तुम्हारे लिए ग़िज़ा का ज़रिया बनाया गया, ग़िज़ा का ज़रिया बनाया गया। देखो आप कोई भी मुक़द्दस चीज़ आप उठाते हैं ना, कुरान उठाओ, कोई भी मुक़द्दस चीज़ यहाँ दुनिया में है तो उठा करके आप चूम करके सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? सीने से। क्यों? मुक़द्दस चीज़ को सीने से ही लगाता है आदमी, इसको कोई बताता नहीं है, लेकिन सबको अंदाज़ा है कि ये सीने से लगाने वाली चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँओं के दिलों में भी ये मोहब्बत रखी कि वो जब जब तुम्हें उठाती है तो दूध पिलाने की गरज से हो, कहाँ लगाती है? सीने से लगा। तुम्हें सीने से लगा करके अल्लाह ने यहाँ परवरिश कराया, और उसके बाद तुम जवान हुए, तुम्हें बोलने की ताकत दी, तुम्हें देखने की ताकत दी, तुम्हें सुनने की ताकत दी। तुम्हारे लिए सारा निज़ाम ऐसा है, तुम हल्के में लेते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो रोज़ की हैं, इसीलिए तो आपको नेचुरल चीज़ें ताज्जुब में नहीं लगती हैं, ताज्जुब आपको लगता नहीं, हालांकि ये बहुत बड़े ताज्जुब की चीज़ है जो हमारा जिस्म है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आपकी कोई करामत? उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी करामत यह है कि मैं दो टांगों से ज़मीन पर चलता हूँ। इससे बड़ी करामत क्या है? दो टांगों से मैं ज़मीन पर चलता हूँ और कभी गिरता नहीं, यही करामत है। अब ये चीज़ आप मिट्टी का बना करके देख लें, आप किसी चीज़ का बना करें, तुम्हारा बैलेंस अल्लाह ताला ने संभाल कर रखा है। ये रोज़ की चीज़ है ना, इसलिए आपके दिमाग में इसको ताज्जुब खीज नहीं लगता, हालांकि ये बहुत अजूबे वाली चीज़ है कि अल्लाह ने तुम्हें संभाल रखा। वही बच्चा देखो, बच्चा भी तो दो पैर और दो हाथ वाला है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, उसके खड़े होने की एक उम्र होती है। तुम खड़े हो जाते हो, बच्चा नहीं खड़ा होता, उसकी भी सेम चीज़ें हैं। कौन है जो तुम्हें खड़े होने की ताकत देता है? और फिर जब तुम खड़े होते हो तो कभी इधर और उधर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सीधे खड़े हो जाते हो। ये तुम्हारा बैलेंस कौन बरकरार रखता है? तुम्हारे दोनों कानों के बीच में एक हल्का पारा रखा गया है जो तुम्हारा बैलेंस बराबर रखता है। एक बहुत छोटा सा कतरा है, एक छोटा पारे की तरह एक छोटा सा कतरा है लिक्विड जो दोनों कानों के बीच में। मेरे अजीज़ों, कार चलाने वालों को पता है व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। अगर टायर थोड़ा सा इधर उधर होने लग जाए तो गाड़ी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, जबकि उसके चार टायर हैं, फिर भी अलाइनमेंट करना पड़ता है। तुम्हारे सिर्फ दो पैर हैं, लेकिन कभी अलाइनमेंट के लिए गए नहीं किसी मशीन में, किसी गैरेज में गए कि मेरे पैर ठीक कर दो। ये कुदरत खुदावंदी है जो तुम्हारे जिस्म को सलामत रखा है। मेरे अजीज़ों, मैं गिनाऊँ तो नियामतें बेशुमार हैं। बात मुख्तसर सी यही है कि नियामतें बहुत सारी हैं। शेख सादी की वो बात मुझे याद आती है, आपने फरमाया उस रब्बे जुल जलाल ने माँ बाप दिया, ये नियामत औलाद दिया, ये नियामत भाई बहन दिया, ये नियामत माल दिया, ये नियामत जिस्म सही सलामत दिया, ये नियामत दुनिया दिया, ये नियामत बहुत कुछ है, नियामत नियामत नियामत। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं अगर बंदा शुमार करने पर बैठ जाए और शुक्र करने पर बैठ जाए तो मैं उसको मशवरा देता हूँ कि एक सांस लिया नियामत है, सांस छोड़ा नियामत है। पहले वो अपनी सांसों का शुक्र अदा करे, बाद में बाकी चीज़ों की नियामत का शुक्र। तो अगर बंदा शुक्र करने पर बैठ भी जाए तो सिर्फ सांसों की शुक्र में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सांस लिया अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सांस छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बाकी नियामतों का शुक्र कब अदा करेगा? इसीलिए रब ताला फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। खुलासा कलाम यह है कि तुम सबके जवाब में ये कहो कि मौला, ना मैं तेरी कुल नियामतों को शुमार कर सकता हूँ, ना मैं तेरी कुल नियामतों का शुक्र कर सकता हूँ, हासिल कलाम यह है रब्बे जुल जलाल, सारी बड़ाई, सारी पाकी और सारी हमद सिर्फ तेरी ज़ात को ज़ेबा है। लकल हमद या अल्लाह, लक शुक्र या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला करीम ज़िंदगी में उसका शुक्रगुजार बंदा बना कर रखे और मौत तक मौला ताला उसके शुक्र करने वाले बंदों में हमारा हिसाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।